डियर बीकॉम पार्ट वन स्टूडेंट 2022-2025 सेशन बीआरए बीयू मुजफ्फरपुर, आप काफी परेशान थे अपने सब्सिडियरी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और बीओ के वीवीआई क्वेश्चंस के लिए। इस वीडियो के लिंक में आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और साथ में बीओ के क्वेश्चंस जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं वो उपलब्ध होंगे। इकोनॉमिक्स का हिंदी में जो गेस्ट क्वेश्चन का ट्रांसलेशन है वो इस वीडियो में उपलब्ध है। तो पहला क्वेश्चन है जो वीवीआई क्वेश्चन है और जिसका पीडीएफ लिंक में उपलब्ध है वीडियो के पिछले वाले वीडियो के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के प्रकृति की समीक्षा करें, क्या इसकी तुलना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से किया जा सकता है, यानी क्या इसकी तुलना गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ किया जा सकता है। यानी पुल क्वेश्चन हो गया, अर्थशास्त्र के प्रकृति की समीक्षा करनी है और क्या इसकी तुलना गुरुत्वाकर्षण नियम से की जा सकती है, यही आपको लिखना है। दूसरा, ब्याज क्या है, ब्याज के तटस्थता का सिद्धांत या ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है। आपके गेस्ट पेपर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि ब्याज ये चीज है, ब्याज उसमें खोजना है कि नहीं, ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है ये वाला खोजना है, ये सबसे ज्यादा बार आया है। तीसरा क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र बेस्ड या व्यापक अर्थशास्त्र के बीच में अंतर। चौथा है रॉबिन्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये देखना है, एक से अधिक थ्योरी दिया हुआ है पर इसमें रॉबिन्स का थ्योरी इस बार के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेट, लगान का रिकार्डो का सिद्धांत। ठीक, दो सिद्धांत होता है, आधुनिक सिद्धांत और रिकार्डो का सिद्धांत, तो लगान का रिकार्डो का सिद्धांत देखना होगा। उसके बाद देखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, मजदूरी दर निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत, इसमें भी दो सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत आपको पढ़ के जाना होगा गेस मेरे गेस के हिसाब से। और ये अर्थशास्त्र का वेलफेयर का कल्याण का क्या अर्थ है, अर्थशास्त्र में कल्याण का क्या अर्थ है, अर्थशास्त्र के कल्याण और आर्थिक कल्याण के बीच में क्या समानता है, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच आपको एक समानता दिखानी है। ठीक है, ये सातवां नंबर क्वेश्चन है। आठवां नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता को प्रभाषित करें, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस प्रकार से मूल्य का निर्धारण होता है। नौ है व्हाट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, मूल्य विभेदीकरण नीति किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करें। दस है क्रिटिकली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ग्यारह है डिस्कस द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत सिद्धांत की व्याख्या करें। और ये बारह है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट करें। ये सब स्ट्रेट क्वेश्चन मिल जाएगा तो पक्का लिखना है। और राष्ट्रीय आय क्या है, अंतिम क्वेश्चन, क्या इसकी माप की जा सकती है, इसके माप संबंधी क्या कठिनाइयां हैं। बस ये 13 क्वेश्चन करके जाइए, एनफ है, आपको 5 से 6 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ उपलब्ध है।